दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो बच्चों, आज फिर से आपका आइडियल कलर प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसे भी पहले आपको बायोलॉजी का 2-3 पार्ट हम बताए थे, उसमें से जैव प्रकरण क्या है इसके विषय में बताए थे, फिर पोषण बताए, फिर श्वसन बताए, ठीक है। आज का टॉपिक है पार्ट 4, आप देख सकते हैं, वहन ट्रांसपोरेशन। तो सबसे पहले ट्रांसपोरेशन क्या है, व्हाट इज वहन। तो जैव प्रकरण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के अंदर जल या खनिज लवण या अन्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया वहन कहलाता है। हम जानते हैं कि रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन से आरबीसी जो है ऑक्सीजन से जो है आरबीसी ले जाता है। अब है सवाल कि हमारा हृदय, मानव शरीर के हृदय में जो है एक वहन किस रूप में कार्य करता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक हृदय का चित्र बनाएंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे हृदय में जो है रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का वहन किस प्रकार से होता है। चलो बन, आप देख सकते हैं, आप मैंने एक फिगर बनाया है मानव हृदय का। इसमें देखिए, ये जो इधर की हो गए फुफ्फुस सिराएं बायां वाली, इसको इंग्लिश में लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, नीचे दायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, विभाजिका, ये जो बड़ा सा भाग है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और ये ऊपर का जो भाग है दायां अलिंद, राइट ऑरिकल। ये एक हृदय का सिंपल स्ट्रक्चर हमने तैयार किए, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसमें हमारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या रुधिर का वहन कैसे होता है। हम जानते हैं कि हमारा हृदय एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी देख रहे हैं, इतने आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को वहन करना होता है, इसलिए ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय को 4 कोष्ठकों में बांट दिया गया है। फिर से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय को 4 कोष्ठकों में बांट दिया गया है, जैसा कि बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में आना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में आना होता है तथा फुफ्फुस से वापस
ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन युक्त रुधिर तब शरीर के पूरे शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। तो जैसा हमने बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने से या इनका वहन किस प्रकार से होता है, इस क्रम को हम विभिन्न चरणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर, ऑक्सीजन से जो युक्त रुधिर होते हैं फुफ्फुस रुधिर फुफ्फुस के हृदय के बाईं ओर बायां अलिंद में आता है। जब वह रुधिर जो है बायां अलिंद में आता है, उस समय बायां अलिंद जो है वो शिथिल रहता है, ठीक है। और ये जो बायां अलिंद जो है उस रुधिर को जो है जमा करता है। जब अगला कोष्ठक बायां निलय खुलता है, इस समय ये संकुचित हो जाता है, संकुचित मतलब सिकुड़ना, और जैसे ही सिकुड़ता है यह सारा रुधिर जो है बायां निलय में आ जाता है, या बायां अलिंद से जो है रुधिर का स्थानांतरण बायां निलय में हो जाता है। और तब यहां से शरीर के सभी भागों में जो है इसे हम पंप कर देते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के ओर स्थित बायां अलिंद में आता है, उस समय ये रुधिर को जमा करते हैं। जब बायां अलिंद संकुचित होता है तो वह रुधिर जो है बायां निलय में स्थानांतरित हो जाता है, और बायां निलय जब संकुचित होता है यहां से जो है रुधिर शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। दूसरी ओर शरीर के अन्य भागों से वी ऑक्सीजनित मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है दाई ओर स्थित दाया अलिंद में आता है, और जब दाया अलिंद संकुचित होता है सिकुड़ता है तो रुधिर जो है दाया निलय में स्थानांतरित हो जाता है, और पुनः दाया निलय उस वी ऑक्सी जनित रुधिर को ऑक्सीकरण हेतु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जनित जो रुधिर है उसको ऑक्सीजन करण हेतु उस रुधिर को फुफ्फुस में पंप कर देता है, और इस प्रकार से यह क्रिया जो है होती रहती है, और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निहित होता है। फुफ्फुस से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से शरीर के अन्य भागों में। वी ऑक्सीजन सबसे पहले दायां अलिंद में, दायां अलिंद में से दायां निलय में, और पुनः फिर फुफ्फुस में जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निहित होता है। अब है कि रुधिर वाहिकाएं जो है, रुधिर वाहिकाएं ये हृदय की अपेक्षा जो है रुधिर वाहिकाएं जो है वो अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं। तो रुधिर वाहिकाएं में सबसे पहले धमनी आर्टरीज, पहला क्या धमनी आर्टरीज। तो धमनी क्या है, तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। फिर से समझ लीजिए, धमनी वाहिकाएं वे हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के
सभी भागों तक ले जाता है। धमनी की जो भित्ति है, भित्ति मीन्स दीवार, ये मोटा होता है, क्योंकि जब यहां से हृदय से जो इसे ले जाना होता है तो रुधिर का जो प्रेशर है वो अधिक होता है, दाब अधिक होता है, इस कारण से वो किसी तरह से क्षति ना हो, इसलिए उसकी जो दीवार है, जो उसकी भित्ति है, वो मोटी होती है। दूसरी तरफ सिरा, दूसरा है सिरा, जिसको इंग्लिश में वेन कहते हैं। ये वेन क्या है कि शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके हृदय में लाता है। इसकी जो दीवार है, इसकी जो भित्ति है, वो मोटी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय रुधिर वापस आता है उस समय उसका प्रेशर जो है कम होता है और उसको एक ही रूट पे जाना होता है, हृदय की ओर। इसके बाद आप देख सकते हैं एक विभाजिका हमने लिखी है। ये विभाजिका जो है ये किस लिए है, अब ध्यान दीजिए कि लेफ्ट साइड बाया अलिंद और बाया नीला है, बाया अलिंद और बाया नीला है, और दाईं ओर दाया अलिंद और दाया नीले है। इसमें ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, इसमें वी ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, ये दोनों आपस में ना मिल जाए इसलिए इसके बीच एक विभाजिका तैयार किया है, दोनों को अलग करने के लिए जो सिस्टम है, तंत्र है, उसे हम विभाजिका कहते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको एक लसीका, कंटिन्यू लसीका। ये लसीका क्या है, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, यह रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका मुख्य कार्य है कि पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका द्वारा होता है। तो इस प्रकार से मानव हृदय में वहन का कार्य होता है। अब देखते हैं कि पादपों में जो है वहन का कार्य किस प्रकार से होता है, प्लांट में वहन का कार्य किस प्रकार से होता है। तो पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, इस प्रकार को हम समझने के लिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पादपों में भोजन का निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इससे पहले भी हम आपको श्वसन के टॉपिक में बताए थे कि भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के माध्यम से अपना भोजन को तैयार करते हैं। चूंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त यंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं, भोजन ऊर्जा का भंडार जो है कहां करते हैं, पत्तियों में करते हैं। पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवण के लिए मृदा जो है, मिट्टी जो है, ये निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अन्य खनिज लवण जो है पौधे को कहां से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं इससे किया जाता है, जड़ जो मृदा के संपर्क में रहते हैं उसे हो जाता है। दूसरी ओर जल का परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम उत्तम में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल समहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है।
जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है, कौन कौन? जड़, तना और पत्ती, तीनों मिलकर एक सतत जाल बनाती है जो पौधे के सभी भागों से संबंध होता है। पादपों की जड़ों मृदा के संपर्क में रहते हैं, जहां से जल का अवशोषण होकर पादप के सभी भाग तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से मानवों में और कह सकते हैं हम एनिमल्स में, वैसे एनिमल्स जिसके हृदय जो है चार भागों में बटा होता है, लेकिन सभी जीवों का हृदय जो है चार भागों में नहीं होता है। अब क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके होंगे कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके हृदय 3 कोष्ठक में बटे होते हैं और बहुत का 2 कोष्ठक में होते हैं। तो वैसे प्राणी जिसके हृदय 4 कोष्ठक में बटे होते हैं उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और वैसे पादप जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें इस प्रकार का, जो आपको हम बताएं, उस प्रकार का परिवहन होता है। तो ये परिवहन का टॉपिक यहाँ आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।